दोस्तों, अगर आप भी एक माइक लेना चाहते हो तो इस वीडियो को पूरा देखिए, क्योंकि इस वीडियो में मैं आप लोगों को दिखाता हूँ बोया माइक, बहुत ही सस्ते में दिखा रहा है। तो दोस्तों, अगर आप भी बोया माइक लेना चाहते हो, वो भी सस्ते में 795 रुपीस में मिल रहा है दोस्तों बोया माइक। मैं अभी आपको प्रूफ भी दिला देता हूँ। तो अभी देखिए, मैं इधर अमेजोन पे हूँ, अमेजोन पे, और MIC टाइप किया और बोया माइक, तो बोया माइक टाइप करने से ये देखिए दोस्तों आ गया नीचे ही बोया माइक। आप क्लियरली देख लीजिए एक बार, ये देख लीजिए बोया माइक है, आप क्लियरली देख लीजिए। और इसका प्राइस है 795, आप देख लीजिए 795 है दोस्तों। अगर आप भी एक माइक लेना चाहते हो तो अभी के अभी जाओ, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मौजूद है, आप देख लीजिए और जाके परचेज कीजिए, कि अगर आपका जरूरत है माइक खरीदने। अगर आपको कुछ लोगों को बहुत मतलब ऐसा लग रहा है कि ये फेक है, ये नहीं है, मतलब डुप्लीकेट माइक है, आपको ओरिजिनल माइक नहीं है दोस्तों, अगर आपको ऐसा लगता है तो आप एक बार कितना लोगों परचेज किया ये एक बार देख लीजिए। ये देखिए, ये देखिए इधर 1335 मेंबर्स खरीदा है दोस्तों, इतना लोग खरीदा है। अगर आपको अभी भी विश्वास नहीं होता है तो मैं एक बार नीचे स्क्रॉल करके दिखाता हूँ। अगर इसमें भी आपको 1 ईयर वारंटी मिल जाएगा, आप देख लीजिए 1 ईयर वारंटी बोया माइक है, क्लियरली आप देख लीजिए 20 फीट का इसका केबल है। अगर आपको अभी भी विश्वास नहीं होता तो मैं इसका अनबॉक्सिंग भी आपको दिखाता हूँ और क्लियरली आपको केबल भी दिखाता हूँ, उससे आपको पता चल जाएगा कि ये माइक ओरिजिनल है कि नहीं। तो मैं अभी आपको दूसरा दिखाता हूँ। अभी आप देख लीजिए ये वाला माइक, ये वाला 949 रुपीज है इसका माइक अभी, लेकिन इसका एक बार देख लीजिए, इसको 10 लोगों ने परचेज किया ये वाला माइक, सिर्फ और सिर्फ 10 लोगों ने परचेज किया। आप बोलेंगे नहीं वो वाला माइक वो वाला डुप्लीकेट माइक है, ये वाला ओरिजिनल माइक है, तो आप ऐसा बोलेंगे, लेकिन दोस्तों आप एक बार कितना लोगों ने परचेज किया ये एक बार देख लीजिए। इसमें 10 लोग सिर्फ और सिर्फ 10 लोगों ही परचेज किया, लेकिन उसमें 1000 तक परचेज किया, 1000 से प्लस परचेज किया दोस्तों। इसमें फोटोज भी आप एक बार देख लीजिए। फिर से मैं आपको बोया माइक में लेकर चलता हूँ और उसके फुल्ली क्लैरिटी दिखाता हूँ। अगर आपको मतलब ये ठीक मतलब आपको डुप्लीकेट जैसा लगता है तो आप एक बार फोटोज भी देख सकते हैं, कस्टमर वाला आप ये रिव्यू भी पढ़ सकते हैं, ये बिल्कुल ही ओरिजिनल माइक है। अभी मैं आप लोगों को इसका अनबॉक्सिंग और क्लियरली ये वाला है ना, अभी इसमें ये वाला फोटो में ऐसा ऐसा आपको ये वाला मिल जाएगा, इससे आपको पता चल जाएगा कि ये बोया माइक ओरिजिनल है कि डुप्लीकेट है। तो चलिए दोस्तों, मैं अभी आप लोगों को अनबॉक्सिंग दिखाता हूँ, आपको क्या क्या मिलते हैं इस बोया माइक में और इसके सारे चीजें बताता हूँ। तो दोस्तों, उससे पहले अगर आप भी एक माइक लेना चाहते हो तो इस वीडियो को लाइक करिए, अगर नया है तो सब्सक्राइब करिए। अगर आपका माइक लेने के लिए मन है तो इस वीडियो को पूरा देखिए, क्योंकि मैं इस वीडियो में आपको सबसे अच्छा बेस्ट माइक बताने चाहता हूँ दोस्तों। अगर आपको माइक लेना मतलब लेना चाहते हो तो यही बोया वाला माइक ही ले लीजिए, थोड़ा महंगा है लेकिन आपको अभी सस्ते में मिल जा रहा है, अभी यही वाला माइक मिल जाएगी मतलब ले लीजिए। अगर आपको मतलब कुछ भी डाउट है कि इसका ऑडियो क्वालिटी कैसा है, ये सब मैं उसी बोया माइक से ही रिकॉर्ड कर रहा हूँ दोस्तों, वॉइस आप देख लीजिए, इसी माइक से मैं वॉइस रिकॉर्ड कर रहा हूँ। अगर आपको और कुछ भी डाउट है या कुछ भी है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में मुझे मतलब पूछ सकते हैं। और एक बात बहुत जरूरी है दोस्तों, अगर आप मतलब सस्ते अगर 300-500 का माइक भी खरीदते हैं, अगर मान लो आपका माइक में आपका फोन में कनेक्ट नहीं हो रहा तो आप क्या करोगे? इसीलिए दोस्तों, मतलब कनेक्ट हो गया तो अच्छा है, लेकिन बहुत सारा स्मार्टफोन्स में तो नहीं कनेक्ट हो रहा। मैंने भी 500 वाला माइक परचेज किया, लेकिन मेरा फोन में कनेक्ट नहीं हो रहा था। मैं ऑडियो स्पीकर भी यूज कर चुका हूँ लेकिन तब भी मुझे कनेक्ट नहीं हुआ, तो इसीलिए मैं आप लोगों को बोल रहा हूँ यही वाला माइक परचेज कीजिए। मेरा अपो का डिवाइस है, Realme 1 डिवाइस है, वर्क नहीं कर रहा, लेकिन अभी ये अच्छे तरीके से डायरेक्टली कनेक्ट कर जा रहा, मतलब आपको ऑडियो स्पीकर भी नहीं यूज करना पड़ेगा। तो चलिए दोस्तों, मैं अभी आप लोगों को अनबॉक्सिंग दिखा देता हूँ, लेकिन उसके पहले आप एक बार देख लीजिए, मैंने परचेज किया इसको 15 जून को, मुझे ये मिला 19 जून में, ये मिल गया दोस्तों 19 मतलब 4 दिन हुए मतलब डिलीवरी के लिए, 4 दिन में मेरे पास आ गया था। तो अभी मैं इसका आपको अनबॉक्सिंग दिखा देता हूँ, आपको मान लेगा, ठीक है दोस्तों? चलिए अनबॉक्सिंग शुरू करते हैं।
दोस्तों आज मुझे बोया वाला माइक मिल गया है, बोया M1 माइक। तो आज इसी का अनबॉक्सिंग मैं आप लोगों को दिखाने वाला हूँ और आपका प्रूफ भी दिखा देने वाला हूँ। तो चलिए जल्दी मैं इसको काट लेता हूँ। तो ये वाला पैकेट आज मुझे मिल गया, आप देख सकते हैं अंदर कुछ बॉक्स है। तो चलिए मैं जल्दी से जल्दी इसको काट कर और इसमें क्या क्या देखने के लिए मिलता है मैं दिखाता हूँ। दोस्तों मैंने इस पैक को मतलब कट कर लिया। दोस्तों अभी मैं आप लोगों को दिखाता हूँ इसके अंदर, इस पैकेट के अंदर हमको क्या मिलता है देखने के लिए। आप एक बार ये सब देख लीजिए। तो मैं इसके अंदर बोया वाला माइक निकालता हूँ, आप एक बार देख लीजिए। ये वाला आपको सीधा ये वाला माइक मिल जाएगा। तो दोस्तों मैंने आपको प्रूफ के बारे में बताया था, अभी मतलब यही वाला प्रूफ है। अगर आपको डुप्लीकेट मिलता है तो ये वाला आपको नहीं मिलता है दोस्तों, उस ये वाला स्टिकर आपको डुप्लीकेट में नहीं मिलता। अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये वाला नंबर आपको दिखेगा, एक मिनट रुकिए इधर रखता हूँ। ये वाला नंबर दिख रहा है ना 1462, अगर आप ये स्कैन करोगे तो आपको ये नंबर दिखाई देगा। अगर आप बोया के ऑफिशियल मतलब वेबसाइट में जाओगे तो आपको पता चल जाएगा, मतलब तो आप इसको खोलेंगे तो आपको ये वाला पाउच मिलेगा। ये वाला पाउच मैंने उसी से रिकॉर्ड कर रहा। तो दोस्तों मैं आप लोगों को वाला माइक नहीं दिखा सकता, लेकिन थोड़ा बहुत दिखाऊंगा। अभी इसको पाउच मिलेगा और वारंटी कार्ड ये सब मिलेगा, यूज़र गाइड, और उससे ज़्यादा आपको कुछ नहीं मिलेगा। और एक बैटरी मिल जाएगा, आप एक बार ये देख लीजिए ये वाला, इसमें आप ऑन ऑफ कर सकते हैं और बैटरी डाल सकते हैं इसमें। और इसका वायर भी बहुत ज़्यादा है। तो दोस्तों ये छोटा सा अनबॉक्सिंग आपको पसंद आया मैं सोचता हूँ। तो अगर आपको लेना चाहते हैं तो यही वाला बोया वाला माइक ले लीजिए, अभी सस्ता में। अभी आप मतलब ऐसा मत सोचिए कि ये डुप्लीकेट है। अगर आप, मैं भी इसी तरह परचेज़ किया, लेकिन मैंने परचेज़ किया 861 में, लेकिन अभी इसका रेट थोड़ा 60 रुपीज़ कम हो गया, अभी आपको 795 रुपीज़ में मिल जा रहा है। तो आप लेना चाहते हो एक माइक तो आप इसी माइक को ले लीजिए, क्योंकि अगर आप दूसरा माइक ले लेंगे मतलब आपको आपका स्मार्टफोन में कनेक्ट हो जाएगा तो अच्छा है, अगर नहीं कनेक्ट होगा तो आपको बहुत प्रॉब्लम फेस करना पड़ेगा। ऑडियो स्पीकर ये सब बाय करने से आपको उससे अच्छा ये बोया माइक ही अच्छा है, आप वही ख़रीद लीजिए आपको अच्छा रहेगा। मतलब इसका साउंड क्वालिटी भी अच्छा है, लेकिन नॉइज़ कैंसिलेशन उतना अच्छा नहीं रहेगा, लेकिन अच्छा है, ठीक ठाक है, आप एडिटिंग में निकाल सकते हैं वो सब। तो ये वाला पाउच क्वालिटी भी अच्छा है। सीधा इसके पैकेट से अंदर में मुझे यही डब्बा मिला। इस डब्बा के अंदर एक कनेक्टर मिल जाएगा आपको कनेक्ट करने के लिए, मतलब कैमरे के लिए। तो दोस्तों अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दो, नया तो सब्सक्राइब कर दो, और बेल आइकन में ऑल नोटिफिकेशन प्रेस करके रखना। और आप माइक लेना चाहते हो तो बोया माइक ले लीजिए, सभी बोलते हैं चीप एंड बेस्ट, लेकिन यही वाला माइक अच्छा है दोस्तों। और दूसरा फ़ोन मतलब दूसरा माइक्रोफोन्स में आपको उतना अच्छा ऑडियो क्वालिटी नहीं मिलता। अगर आप समझ लो कि मैं आपके पास इतना बजट नहीं है तो आपको ईयरफोन्स में भी बहुत ही अच्छा क्वालिटी मिल जाएगा, या आपको फ़ोन में भी बहुत ही अच्छा क्वालिटी मिल जाएगा। आप ऐसा मत सोचिए कि माइक ले लूँगा, अगर आपका माइक कनेक्ट नहीं होगा तो आपको बहुत प्रॉब्लम फेस करना पड़ेगा। मैं भी ऐसा फेस किया, तो इसी वजह से मैं आप लोगों को बोल रहा हूँ। तो चलिए दोस्तों मिलता हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा, बाय बाय।